दोस्तों टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा, हजारों सालों से हम इंसान इस कॉन्सेप्ट से फैसिनेट होते आए हैं। समय समय पर कई लोगों ने टाइम मशीन बनाने या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर में जाने के दावे भी किए हैं, लेकिन आज तक साइंस के पास रियलिटी में टाइम ट्रैवल करने का कोई भी जरिया मौजूद नहीं है। पर यार ह्यूमन क्यूरियोसिटी रुकने का नाम कहां ही लेती है। अब जो सच में नहीं हो सकता उसे कल्पनाओं में गढ़ना हम अच्छे से जानते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि मैं यानी कि कौशिक अंतरिक्ष टीवी के गैराज में एक टाइम मशीन बनाकर तैयार करके बैठा हूं। मेरे पास वो सारे इक्विपमेंट्स भी मौजूद है जो मुझे पास्ट या फिर फ्यूचर में किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के खिलाफ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अंतरिक्ष टीवी की टाइम मशीन पर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको आज से 100 करोड़ साल बाद की पृथ्वी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों जैसे ही हमारे टाइम मशीन का दरवाजा खुलता है, हमें एक ऐसी जगह का नजारा दिखता है जो आज की पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। आज जहां हम पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली देखते हैं, वहीं आज से 100 करोड़ साल वाली पृथ्वी वीरान रेगिस्तान की तरह होगी, जहां दूर दूर तक आपको रेत के टीले नजर आएंगे। पृथ्वी की हवा ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ चुकी मात्रा के कारण भारी हो चुकी होगी और आपके सर के ऊपर वाटर वेपर के क्लाउड्स मंडरा रहे होंगे। अब ये सब सुनने के बाद जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी की ये हालत हुई कैसे। तो दोस्तों इसका जवाब हमें मिलता है इस आर्टिकल में, जिसके अनुसार हर एक बिलियन यानी कि 100 करोड़ साल के बाद हमारे सूरज की ब्राइटनेस करीब 10% से इंक्रीज हो जाती है। अब इसका अंजाम ये होगा ना कि आज से 100 करोड़ साल वाली पृथ्वी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस वजह से पृथ्वी का सारा सरफेस वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और पृथ्वी लिटरली एक वाटरलेस प्लैनेट बन जाएगी। अब दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि ट्रीज अपना खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं और इस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहां से है? वेल, कार्बन डाइऑक्साइड के मेनली 3 सोर्सेस होते हैं। पहले तो है इंसान और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान CO2 को रिलीज करते हैं। अब दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को बढ़ाती है, और तीसरा और सबसे कांस्टेंट सोर्स है कार्बोनेट सिलिकेट साइकिल। अब देखो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलकर पृथ्वी के रॉक्स में वेदरिंग को अंजाम देती है और इसका एक बाय प्रोडक्ट गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन इतनी गर्म पृथ्वी पर ना तो बारिश का कोई ठिकाना होगा और ना ही वाटर का। इससे कार्बोनेट सिलिकेट साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा और गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड ना बनने का सीधा असर ट्रीज और प्लांट्स की ग्रोथ पर होगा। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि उस समय की पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान तो आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन अब इतनी दूर तक आ ही गए हो तो चलो पृथ्वी पर थोड़ा घूम ही लिया जाए। पर वेट ए सेकंड, इससे पहले कि आप आज के समय का कंपास लेकर 100 करोड़ साल बाद के पृथ्वी पर घूमने निकल जाओ, जरा नासा की वेबसाइट पर मौजूद इस वाले आर्टिकल पर नजर डाल लो। देखो पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं होती है। ऑन एन एवरेज करीब 3 लाख सालों के इंटरवल में पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो जाते हैं, और पिछली बार ऐसा करीब 7,80,000 साल पहले हुआ था। अब ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि कंपास के अनुसार आप नॉर्थ पोल की ओर आगे बढ़ो और रियलिटी में आप साउथ पोल की ओर पहुंच जाओ। खैर अब चाहे आप नॉर्थ पोल की ओर जाओ या फिर साउथ पोल की ओर, एक चीज आपको बिल्कुल कॉमन देखने को मिलेगी और वो है पृथ्वी का बदला बदला सा नजारा। जहां एक समय घने घने जंगल हुआ करते थे और घास के मैदान बिखरे हुए थे, वहां पर रेतीले रेगिस्तान, सूखी घाटियां, चट्टाने और विशालकाय पर्वत देखने को मिलेंगे जो आज की पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन अचानक से पृथ्वी पर ये विशालकाय पर्वत आए कहां से? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट जो पृथ्वी पर लगातार होता रहता है। अब ये तो आपने जरूर सुना होगा कि आज हमारी पृथ्वी पर जो 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद है ना, वो पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था और इसे हम पैंजिया के नाम से जानते थे। और भाई यहां मैं कई 100 करोड़ साल पहले की बात नहीं कर रहा, बल्कि आज से सिर्फ 16 करोड़ साल पहले पैंजिया एग्जिस्ट करता था। अब वैज्ञानिक तो यहां तक अनुमान लगा चुके हैं कि आने वाले करीब 25 करोड़ सालों में पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स एक बार फिर से मिलकर एक हो जाने वाले हैं और इस नए सुपर कॉन्टिनेंट का नाम होगा पैंजिया प्रॉक्सिमा। मतलब देख रहे हो, इंसानों ने अपने इतिहास में जो भी सिविलाइजेशंस बचाई है ना, जो देश बनाए हैं और जो भी डेवलपमेंट किया है, उसकी बर्बादी को भी नाम दिया जा रहा है। लेकिन पैंजिया प्रॉक्सिमा केवल बर्बादी का मंजर लेकर नहीं आएगा, बल्कि ये पृथ्वी पर लाइफ के एवोल्यूशन की एक नई साइकिल शुरू करेगा।
जो शायद नेक्स्ट जनरेशन के ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देगी जो आने वाले समय के रफ एंड टफ एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से खुद को अडैप्ट कर पाएंगे। अब ये जीव आपको आज से 100 करोड़ साल वाली पृथ्वी पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना घूमने के बाद भाई मैं तो थक ही चुका हूँ। और मेरे जैसे एस्ट्रोफाइल की थकान तो बस एक ही चीज दूर कर सकती है और वो है तारों से भरे हुए आसमान का खूबसूरत नजारा। लेकिन ये क्या, रात के समय जब मैं और आप आसमान की ओर नजर डालते हैं तो वहां पर तारों का नामो निशान नहीं दिखता और मून भी साइज में काफी छोटा हो चुका है। दोस्तों इसके पीछे का रीजन है यूनिवर्स का एक्सपेंशन। देखो मिल्की वे का सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से मिल्की वे के तारों को अट्रैक्टेड रख सकता है और ज्यादा से ज्यादा हमारे लोकल गैलेक्सी क्लस्टर्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन उससे बाहर का यूनिवर्स एक्सपेंशन के भेंट चढ़ जाने वाला है और आने वाले 100 करोड़ सालों में ये दूर अंतरिक्ष के अनंत तारे हमसे इतनी दूर चले जाएंगे कि हमारी आंखें पृथ्वी के आसमान में उनकी लाइट देखने को तरस जाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान से तारे बिल्कुल ही गायब हो जाने वाला है, लेकिन आज हमें जितने तारे नजर आते हैं ना, शायद उस समय का आसमान इतना चमकदार नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि हमारा मून हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जाता जा रहा है। ऐसे में आज से 100 करोड़ साल बाद तो हमारा चांद हमसे हजारों किलोमीटर दूर निकल चुका होगा और हो सकता है कि उस समय भी ये हमारे प्लैनेट की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहे और हमारी सैटेलाइट का रोल भी निभाता रहे। पर धरती के आसमान में मून की साइज बहुत कम हो जाने वाली है। जिन पोलारिस और नॉर्थ स्टार की फिक्स्ड पोजीशन ने इंसानों को पृथ्वी के समुद्र एक्सप्लोर करने में मदद की है और जिस ओरायन बेल्ट को देखकर प्राचीन इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने अपने पिरामिड्स को बनाया था ना, वो हमें आसमान में नजर नहीं आएंगी। space.com के इस आर्टिकल की माने तो मिल्की वे जैसी गैलेक्सी में हर 50 साल के अंदर एक ना एक स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता रहता है। ऐसे में कई तारे जो आज हमारे बीच है वो 100 करोड़ साल बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। वैज्ञानिकों की माने तो अगर कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन पृथ्वी से 25 लाइट ईयर्स की रेडियस के अंदर होता है तो इससे निकलने वाली इंटेंस रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर सकती है और धरती से लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। अब हालांकि वैज्ञानिक मिल्की वे और इसके आसपास की गैलेक्सीज को अच्छे से स्कैन कर चुके हैं और उन्हें ऐसा कोई भी तारा नहीं मिला है जो आज की कंडीशन में हमें नुकसान पहुंचा सके। हालांकि सोलर सिस्टम का मिल्की वे में रिवॉल्यूशन और फिर स्पेस में मिल्की वे की अपनी मूवमेंट आज से हजारों लाखों साल बाद कंडीशंस को बदल सकती है। और क्या पता जब आप 100 करोड़ साल बाद की पृथ्वी पर जाओ तब तक ये ग्रह कई सुपरनोवा एक्सप्लोजंस के कहर को झेल भी चुका हो। लेकिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन एकमात्र खतरा नहीं है जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की जान का दुश्मन बना हुआ है। देखो आसमान से आने वाला एक ऐसा भी खतरा है जो मोस्ट रीसेंट ईयर्स में पृथ्वी पर तबाही का मंजर ला चुका है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 10 किलोमीटर लंबे चिक्सलूब इम्पैक्टर एस्ट्रॉइड की, जो आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सरफेस से आकर टकराया था और उसने डायनासोर समेत पृथ्वी की 75% लाइफ का खात्मा कर दिया था। अब आने वाले 100 करोड़ सालों में ना जाने कितनी बार अंतरिक्ष से आई ये तबाही पृथ्वी पर बरस सकती है। अब वैसे तो हम इंसान लगातार इन एस्ट्रॉइड से बचने के तरीके खोज रहे हैं और नासा का डार्ट मिशन भी इस कड़ी में एक प्रयास था, लेकिन क्या हमारी ये कोशिशें उस समय पर काम आ पाएंगी जब अचानक से हमें पता चलेगा कि कोई विशालकाय एस्ट्रॉइड या कॉमेट सीधा हमारी तरफ ही बढ़ रहा है और कुछ ही घंटों में पृथ्वी से टकरा जाएगा? आई गेस नहीं। आज से 100 करोड़ सालों बाद जब आप पृथ्वी की सतह के परते खोलो तो शायद वहां आपको आज की तरह कई फॉसिल्स नजर आए, लेकिन ये फॉसिल्स डायनासोर्स के नहीं होंगे बल्कि हम इंसानों के होंगे। जिन बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस और एडवांस सिटीज को हम डेवलप कर रहे हैं ना, प्रकृति के कहर के सामने वो सब धूल में मिल जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इन सब दिल दहला देने वाली बातों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले सालों में ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत हो जाने वाला है। देखो हम जिस तेजी से स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं है जब इंसान मून और मार्स पर अपने बेस बना चुका होगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज को पार करके इंटर प्लैनेटरी और इंटर गैलेक्टिक स्पीसीज बन चुके होंगे। अभी कुछ हजार सालों पहले ही पृथ्वी पर हमारे एंसेस्टर्स यानी कि होमो सेपियंस घुमा करते थे और आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में इतने ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। एस्ट्रॉइड और सुपरनोवा एक्सप्लोजन जैसे खतरे तो यूनिवर्स में आते ही रहने वाले हैं, लेकिन इंसान अपनी क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स की सबसे पावरफुल मशीन यानी कि इंसानी दिमाग की मदद से इन सारे खतरों को जीत लेने वाला है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप इतिहास या भविष्य
कौन सा नजारा देखना पसंद करोगे? नीचे कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।